हेलो, मैं कल्पित विवाल हूँ। मैंने इस साल जेईई मेन एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है और 360 में से 360 मार्क्स हासिल किए थे। और साथ ही में मैंने एनटीएससी, जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन होता है, उसमें मैंने स्टेज 1 में राजस्थान में ऑल राजस्थान रैंक 1 अचीव की थी। और स्टेज 2 में हालांकि रैंक्स तो नहीं आई थी, लेकिन काफ़ी अच्छे स्कोर के साथ मैं सिलेक्ट हुआ था। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एनटीएससी एग्जामिनेशन के लिए गाइड करने वाला हूँ। एनटीएससी एग्जामिनेशन 10th क्लास में ऑर्गेनाइज होता है और इसको एनसीईआरटी करवाता है। स्टेज 2 और स्टेज 1 रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स करवाती हैं। तो इसमें ये रहता है कि ये एग्जामिनेशन काफ़ी नेशनल लेवल के रिकॉग्निशन का है और इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी एडवांटेज रहता है। इससे स्कॉलरशिप वगैरह भी रहती है और आगे भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं। तो इस एग्जामिनेशन को जैसे 10th क्लास के स्टूडेंट्स यूजली देते हैं, तो इसमें पहले से प्रिपरेशन की कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आप 10th क्लास में भी प्रिपरेशन करें, देन यू कैन डू वेरी वेल। इसके लिए बुक्स की जहाँ तक बात की जाए, तो स्टेज 1 में जैसे राजस्थान में जैसे बात करें तो, और इवन अदर स्टेट्स में भी, मेनली जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स है उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे फिजिक्स साइंस है, मैथमेटिक्स है और सोशल साइंसेज है, इनकी आप जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व या और पढ़ा करें। उनमें आपको एक एक चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि स्टेज 1 में सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही रहते हैं। तो उनमें आप अच्छे से ध्यान दें कि जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ा करें। और साथ ही में स्टेज 2 की जैसे बात की जाए, तो स्टेज 2 थोड़ा मुश्किल रहता है। उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो जैसे जो साइंस के टॉपिक्स हैं और मैथमेटिक्स, इनमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और वो एनसीईआरटी से भी थोड़े अबव लेवल के होते हैं। और मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश भी जैसे एनटीएससी का पार्ट रहता है। इंग्लिश जस्ट फॉर क्वालिफिकेशन होता है कि आपको एक मिनिमम कट ऑफ पार करना होता है। जो आप उसके अलावा जो भी स्कोर कर रहे हो वो आपके रैंक में काउंट नहीं होगा। तो इंग्लिश के लिए वैसे बहुत ज़्यादा कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ें तो भी वो अच्छा है, क्योंकि इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट होना भी अच्छा ही है। मेंटल एबिलिटी के लिए आपको स्पीड पे ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों में ही मेंटल एबिलिटी में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। क्वेश्चंस लगभग 40 से 50 के बीच क्वेश्चंस आते हैं और उनको आपको 45 मिनट में सॉल्व करना होता है, यानी एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए मेंटल एबिलिटी के, ताकि आपको उस समय जो भी ट्रिक्स इन्वॉल्व होती हैं या जो भी लॉजिक है वो उसी समय आपको तुरंत क्लिक हो। तो उसमें यही है कि आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा आप टॉपिक्स या नए तरह के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने अलग अलग लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ज़्यादा आपका एनटीएससी में स्कोर इम्प्रूव होगा। स्टेज 1 में तो मेनली इजी क्वेश्चंस ही रहते हैं, और दोनों में ही, सैट में भी और मैट में भी, स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो दोनों में ही आपको मेनली ध्यान देना है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर, और मेंटल एबिलिटी में आप बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल के जाएँ। साथ ही स्पीड और एक्यूरेसी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रहता है। आप लास्ट दिन जैसे जब एग्ज़ाम हो उस दिन अच्छे से चेक करते हुए आगे बढ़ें कि कहीं मैं गई गलती तो नहीं कर रहा हूँ। जैसे जो फॉर्मेट रहता है वो ये रहता है कि लगभग 180 से 200 के बीच क्वेश्चंस आते हैं डिपेंडिंग ऑन स्टेट। उसमें 50% क्वेश्चंस तो सेट के रहते हैं और 50% क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश में डिवाइडेड रहते हैं। जो सेट पेपर होता है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स और सोशल साइंसेज रहती हैं, और मेंटल एबिलिटी में मेनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉजिक्स, ये जैसे नंबर सीरीज है या अल्फ़ाबेट सीरीज है, या फिर जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, या मिरर इमेज वाटर इमेज, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बुक्स की जहाँ तक बात है, तो उनमें मेंटल एबिलिटी के लिए आपको अलग से बुक्स आप प्रिफर कर सकते हो। जैसे बहुत सारी, जैसे अरुण शर्मा की एक बुक आती है, वो आपको अगर बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस के लिए अरिहंत की भी बुक्स आती हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही जैसे किसी अच्छे कोचिंग सेंटर से भी आप स्टडी मटेरियल ओपटेन कर सकते हैं, जो स्टेज 2 के लिए भी आगे काम रहेगा। सिलेबस तो यूजुअली 10th क्लास का ही रहता है, हालांकि स्टेज 2 में कुछ टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा बहुत 11th 12th का एनसीईआरटी में, जो भी टॉपिक्स आपके 9th और 9th के एनसीईआरटी बुक्स में दिए हुए हैं उनको आप बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं आगे की बुक से। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेज 2 में भी आप अगर 10th एनसीईआरटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इसमें आपको बोर्ड और आपका जो 10th बोर्ड है और जो एनटीएससी एग्ज़ाम, उसमें टाइम अलॉटमेंट में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्टेज 1 तो इंडिपेंडेंट नहीं रह, मतलब जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का सिलेबस है और एनटीएससी का सिलेबस है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है।
और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हालांकि मेंटल एबिलिटी के लिए थोड़ा बहुत आप टाइम निकाल के क्वेश्चन सॉल्व किया करें। स्टेज टू के लिए वैसे भी आपकी 10th के बाद छुट्टियाँ पड़ जाती हैं, तो तब आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत आप 11th 12th का भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आगे भी आपके काम आएगा। इसके अलावा NTSC एग्जामिनेशन के लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। स्टेज वन के लिए आप NCERT की अपनी ग्रिप अच्छे से रखें और स्टेज टू के लिए अच्छे से पढ़ें। मेंटल एबिलिटी की प्रैक्टिस भी अपनी रेगुलर बनाए रखें ताकि स्पीड डेवलप रहे। आप रेगुलर बेसिस पे थोड़े टेस्ट भी करते रहें ताकि आपको याद रहे कि और पता रहे कि मेरी गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं, कौन से कॉन्सेप्ट नहीं आ रहे हैं, और साथ ही में स्पीड और एक्यूरेसी भी डेवलप हो। और इसके अलावा जैसे बात करें तो सोशल साइंसेस में स्पेशली बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि क्वेश्चंस और सिलेबस बहुत ज़्यादा है और आपको याद बहुत करना पड़ेगा। तो उसमें धीरे धीरे स्टेप वाइज प्रोग्रेस करें, पहले थोड़ा पैराग्राफ पढ़ें, फिर उसको रिकॉल करें, फिर पूरा चैप्टर पढ़ें, और इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट करके याद करें। हाँ, तो ओवरऑल NTSC की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा टफ एग्जामिनेशन नहीं है। इंडिया में जैसे 1000 सीट्स हैं, उनमें आना एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। आप अगर अच्छे से मेहनत करेंगे, रेगुलर मेंटल एबिलिटी और बाकी सब्जेक्ट्स पे ग्रिप रखेंगे, स्पेशली NCERT टेक्स्ट बुक्स पे, तो इजीली कर सकते हैं। ज़्यादा आपको और डिटेल चाहिए हो तो आप, मैंने एक फेसबुक पे अपना पेज भी बना रखा है जिसपे मैं IIT और NTSC और अलग जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मैं गाइड करता हूँ। कल्पित वीरवार 22 नाम से है, आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। आप उसको लाइक और शेयर भी प्लीज़ करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दिल्ली नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।